मौनी अमावस्या की कथा। प्राचीन काल में कांचीपुरी में तेज स्वामी नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम धनवती था। उसके 7 पुत्र और 1 पुत्री थी। पुत्री का नाम गुणवती था। ब्राह्मण ने 7 पुत्रों के विवाह करने के बाद बेटी के लिए वर तलाश करने के लिए अपने सबसे बड़े पुत्र को भेजा और उसने एक ज्योतिष को कन्या की कुंडली दिखाई। उसने बताया कि विवाह होते ही कन्या विधवा हो जाएगी। ज्योतिष की बात सुनकर ब्राह्मण दुखी हो गया और उसने इस समस्या के निवारण का उपाय पूछा। उपाय पूछे जाने पर ब्राह्मण ने बताया कि सिंघल द्वीप पर एक सोमा नामक धोबिन रहती है। यदि कन्या की शादी से पहले वह घर आकर पूजन करे तो यह दोष दूर हो जाएगा। ब्राह्मण ने गुणवती को अपने सबसे छोटे पुत्र के साथ सिंघल द्वीप भेजा। दोनों सागर किनारे पहुंचकर उसे पार करने की कोशिश करने लगे। जब समुद्र को पार करने का कोई रास्ता नहीं मिला तो भूखे प्यासे दोनों बहन भाई एक वट वृक्ष के नीचे आराम करने लगे। उसी पेड़ पर घोंसले में एक गिद्ध का परिवार रहता था। उस समय घोंसले में सिर्फ गिद्ध के बच्चे थे। वे सुबह से उन दोनों भाई बहन के क्रियाकलापों को देख रहे थे और उनकी बातों को सुन रहे थे। शाम को जब गिद्ध के बच्चों की माँ भोजन लेकर घोंसले में आई तो उस भाई बहन की कहानी को बताने लगे। उनकी बातें सुनकर गिद्ध की माँ को नीचे बैठे भाई बहन पर बहुत दया आई और बच्चों को आश्वासन दिया कि वह उनकी समस्या का समाधान करेगी। यह सुनकर गिद्ध के बच्चों ने भोजन ग्रहण कर लिया। दया और ममता से वशीभूत गिद्ध माता उनके पास आई और बोली कि मैंने तुम्हारी समस्याओं को जान लिया है। इस वन में जो भी फल फूल मिलेगा मैं तुम्हारे लिए ले आती हूँ और प्रातःकाल तुमको सिंघल द्वीप में सोना धोबन के पास पहुँचा दूंगी। अगले दिन सुबह होते ही गिद्ध माता ने दोनों भाई बहन को समुद्र पार कराकर सिंघल द्वीप में सोना धोबिन के पास पहुंचा दिया। गुणवती प्रतिदिन सुबह सूर्योदय से पहले ही सोमा का घर लीप दिया करती थी। एक दिन सोमा धोबिन ने अपनी बहुओं से पूछा कि प्रतिदिन सुबह हमारा घर कौन लीप पोतकर साफ कर देता है। बहुओं ने तारीफ बटोरने के लिए कहा, हमारे अलावा और कौन ऐसा करेगा। लेकिन सोमा को उनकी बातों पर यकीन नहीं हुआ और वह जानने के लिए पूरी रात जागती रही। तभी उसने सुबह गुणवती को घर साफ करते हुए देख लिया और उससे उसकी परेशानी का कारण पूछा। गुणवती ने अपनी परेशानी बताई, जिसे सुनकर सोमा धोबिन बहुत चिंतित हो गई और उसके साथ उसके घर पूजा पाठ करने के लिए राजी हो गई। जाने से पहले उसने अपनी बहुओं से कहा कि यदि मेरे पीछे से घर में किसी की भी मृत्यु हो जाए तो उसका अंतिम संस्कार मत करना। सोमा ने ब्राह्मण के घर आकर पूजा की, लेकिन उसके बावजूद गुणवती का विवाह होते ही उसके पति की मृत्यु हो गई। तब सोमा ने अपने सभी पुण्य गुणवती को दान कर दिए, जिससे उसका पति जीवित हो गया। लेकिन पुण्यों की कमी से सोमा के पति और बेटे की मृत्यु हो गई। सोमा ने सिंघल द्वीप लौटते हुए रास्ते में पीपल वृक्ष की छाया में विष्णु जी का पूजन करके 108 बार पीपल की परिक्रमा की। उसके पुण्य प्रताप से परिवार के सभी सदस्य फिर से जीवित हो उठे। इस प्रकार मौनी अमावस्या के दिन किसी पवित्र नदी में स्नान करके विधिवत भगवान विष्णु का पूजन अर्चना करके और पीपल के पेड़ की परिक्रमा करने से मनोवांछित फल प्राप्त होते हैं और परिवार और उसके सदस्यों पर भगवान का आशीर्वाद और कृपा सदैव बनी रहती है। की अन्य व्रत एवं पौराणिक कथा कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि आप भी दूसरों तक इन्हें पहुंचाकर धर्म लाभ प्राप्त कर सकें।